कौन है? पीछे मुड़ के तो देखो, मैं सुंदर लग रही हूं ना? हाँ। मेरे साथ चलोगे? हाँ, चलूंगा। हाय मोनू, हाय संजू, आ जाओ। हाय आशु। हाय आशु। अच्छा, तुम दोनों ने स्त्री के बारे में सुना है? हाँ, मैंने तो सुना। ज्यादा नहीं, तू बताना। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। स्त्री नामक चुड़ैल ने ना हमारे शहर में आतंक मचा के रखा है। वो हर दूसरे तीसरे दिन में आती है और किसी न किसी मर्द को उठाकर ना ले जाती है, और एज अ प्रूफ ना उनका कच्छा छोड़कर चली जाती है। वो स्त्री हमारे पास अटैक करने ना आए, इसलिए ना आजकल लोग ना अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना ऐसे लिख रहे हैं। ऐसा लिखने से वो नहीं आती क्या? देखना, सबसे पहले ना वो मोनू को उठाकर ले जाएगी, और मैंने तो सुना है ना कि मोनू ना कच्छा भी नहीं पहनता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे मोनू। डर गया? अरे क्या संजू, तूने तो उसे डरा दिया। अरे मोनू का मजाक उड़ाने में ना बहुत मजा आता है। तू भी ना। उस दिन मैंने मोनू का मजाक तो उड़ा दिया कि उसको स्त्री पकड़ के ले जाएगी, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। मैं अंधेरे में घर जा रहा हूँ, कहीं स्त्री मुझे पकड़ के ले गई तो। अगर स्त्री मेरे सामने आई तो ताइक्वांडो का मूव करके ऐसा भगाऊंगा कि वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। कौन है? पीछे मुड़ के तो देखो। पीछे मुड़ के? मैंने सुना है कि स्त्री ना ऐसे ही बुलाती है। अब तुम मेरे वश में हो। मेरी आंखों में देखो। मेरे साथ चलोगे? हेलो उषा, कैसी हो? ठीक हूँ सीमा। तुम्हें पता है संजू को उठा के ले गई है? संजू को? लेकिन कब? कल, वो भी स्त्री। क्या, स्त्री उठा कर ले गई है? हाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपना ख्याल। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, तुम भी रखना। बाय। मम्मी क्या हुआ? आशु, संजू को स्त्री उठा कर ले गई है। मम्मी, स्त्री उसे लेकर गई है, ये कैसे कंफर्म है? बेटा, ग्राउंड में उसका कच्छा पड़ा हुआ मिला। मैं उसकी मम्मी को कॉल करती हूँ। यानी कि ये स्त्री वाली बात सच है? उस दिन संजू स्त्री का मजाक भी बना रहा था। नहीं नहीं, ना तो मैंने स्त्री का मजाक बनाया और ना कभी बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, मोनू को ये बात बताता हूँ। हेलो मोनू। आशु, संजू मिल तो जाएगा ना? क्या मोनू, तू भी अब तो चुप हो जा, क्या पता ये किसी की शरारत हो।
और अगर सच में स्त्री आंटी है तो क्या पता वो अच्छी हो। अच्छी होती तो उठा कर क्यों ले जाती, कहीं उन सबको मार के खाना गई हो। आशु क्या करे। अरे मोनू क्या पता है किसी की शरारत हो डर पैदा करने के लिए, तू मेरी बात मान के नहीं रहा। कोई शरारत नहीं है, अगर मेरे सामने आई तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, पंच मार के उसको वहीं ढेर कर दूंगा। मुझे हाथ लगाएगी ना तो उसका हाथ मरोड़ दूंगा। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। जब वो तेरे सामने आएगी ना तब तू ये सब कुछ कर लेना, ठीक है? फिलहाल ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, चलें? हाँ चल। ये लाइट को भी अभी जाना था। हेलो आशु बेटा। जी आप कौन? बेटा मैं तुम्हारे पापा की कलीग हूँ, मैंने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वैसे बेटा पापा ऑफिस से कितने बजे तक घर आते हैं? क्यों? वो बेटा मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे घर पे आके मिल लूं। आंटी पापा ऑफिस से 8 बजे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं रात को तुम्हारे घर आती हूं। जी आंटी बाय। बाय। जल्दी मिलते हैं। पापा का कच्चा। सत्यानाश हुई स्त्री का, तेरे पापा को उठा कर ले गई। पापा को ले गई मम्मी, स्त्री ले गई। पापा मिल तो जाएंगे ना? पापा पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। पापा को तो आधे आधे घंटे में चाय पीने की आदत है मम्मी। हाँ बेटा। पापा। ये स्त्री पापा मोनू संजू सबको ले गई है, कहीं ये मुझे भी उठा के ना ले जाए। मेरे पास ना एक घोस्ट डिटेक्टर मशीन है, उसे ट्राई करके देखता हूं। देखता हूं कि स्त्री आसपास में तो नहीं है। ये रही स्त्री। ओ स्त्री का लाना, ओ स्त्री का लाना, ओ स्त्री का लाना, ओ स्त्री का लाना, ओ स्त्री का लाना। शुक्र है स्त्री गई, लगता है अगला नंबर मेरा ही है। नहीं नहीं मुझे सावधान रहना होगा, सावधान रहना होगा।
ये स्त्री आंटी मुझे पता नहीं कहाँ ले आई। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो स्त्री, हमने कुछ नहीं किया। लगता है ये सब वही है जिनको स्त्री आंटी किडनैप करके लेके आई है। पापा? हाँ आशु बेटा, मैं यहाँ पर हूँ। मोनू, संजू, आशु हमें बचा। आशु मैं यहाँ हूँ। लगता है ये सब यहीं पर है। श्री आंटी प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैंने आपको कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने आपको कुछ बुरा नहीं कहा। प्लीज आंटी प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये मुझे घूर क्यों रही है? स्त्री आंटी, आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आप सभी मर्दों को रात को उठाकर ले जाती हो? प्लीज बताओ ना। तुम पहले मर्द हो जिसने मुझसे सवाल पूछा। आशु, जब मेरी शादी हुई उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मुझे अकेला देख गांव के मर्दों ने मुझ पे बुरी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें लगता था कि अकेली और कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते थे। ये सब मैं नहीं सह पाई। मैंने सबसे मदद मांगने की कोशिश की, पुलिस के पास भी गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला किया। अब मैं किसी मर्द को नहीं छोड़ूंगी, सबसे अपना बदला लूंगी। मुझे मर्दों से नफरत है। स्त्री आंटी, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उन सबको उनके किए की सजा जरूर मिल गई होगी। आंटी, मैं उन सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन आंटी, किसी के किए की सजा सभी मर्दों को देना सही बात नहीं। प्लीज आप ऐसा मत करो। I'm sorry आंटी। मुझे सबकी जान बचाने के लिए करना ही पड़ा। मैंने सुना है कि चुड़ैल की ताकत उसकी चोटी में होती है। थैंक गॉड, हम सब स्त्री के चंगुल से छूट गए। लेकिन मुझे स्त्री की स्टोरी सुनकर बहुत बुरा लगा कि उनको गांव वालों के बुरे व्यवहार की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें सभी स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो छोटी लड़की हो या बुजुर्ग महिला। सभी पेरेंट्स को अपने बेटों को सिखाने की जरूरत है कि वो सभी स्त्रियों की इज्जत करें और उनको सम्मान दें। Hi guys! इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो में बहुत सारे लाइक्स चाहिए, तो फटाफट से मोहक में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें कौन से न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।